अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर्स का। तो आज हम प्राइम नंबर्स का कोड बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे चलते हैं और देन उसके बाद जो इसकी फॉर्मुलेशन की स्ट्रेटेजी होगी उसको डिस्कस किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल मेक द प्रोग्राम। तो सबसे पहले प्राइम नंबर है क्या? ऐसे नंबर जो 1 के अलावा अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड ना होते हैं तो उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है दैट इज 11। तो इससे छोटे नंबर जितने भी होंगे 1 के अलावा दैट विल बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और अगर आप इन नंबर से 11 को डिवाइड करें तो ये 11 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि 11 जो है एक प्राइम नंबर है। लेकिन इससे पहले कि हम फॉर्मुलेशन स्टार्ट करें, स्ट्रेटेजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें कि जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे नंबर जो गिवन नंबर है 11, इसको कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। Why? Because ये उसके हाफ से बड़े हैं और हाफ बनता है हमारे पास 5.5। अब चूंकि जो हमारी डिस्कशन है वो तमाम के तमाम इंटीजर नंबर्स हैं, इसलिए हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे। लेट्स से वी राउंड ऑफ टू 5। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आपने डिवीजन के लिहाज से चेक करना है, डिविजिबिलिटी के लिहाज से चेक करना है, तो हमें कभी भी जो हमारी रेंज ऑफ नंबर्स है वो उसके हाफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब इन नंबर्स ने उसे डिवाइड ही नहीं करना तो इनको आइट्रेशन के अंदर पुट करके चेकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इनका आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा। तो दिस इज़ आवर रूल नंबर 1 कि जब भी आप किसी नंबर को प्राइम चेक करने के लिए उसे छोटे नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो हमेशा उसके हाफ तक होंगे, और अगर हाफ तक नहीं, उसका हाफ इंटीजर नहीं है, तो फिर हम उसे राउंड ऑफ कर लेंगे। मैटलैब में इसके लिए हम फिक्स कमांड यूज करते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई भी नंबर जो कि इवन नंबर से डिविजिबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 हो गया, 8 हो गया, 6, कोई भी एक नंबर, तो वो हमेशा 2 से भी डिविजिबल होगा। ये कंपलसरी है, यानी कि अगर आप 2 को चेक कर लें तो आपको बाकी इवन नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 2 से वो डिवाइड हो गया तो ऑटोमेटिकली वो नंबर प्राइम नंबर नहीं रहा, और अगर वो 2 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो जितने भी इवन नंबर होंगे उनसे कभी भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि तमाम इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसलिए जब हम अपने डिविजिबल नंबर्स की रेंज को सेट करेंगे तो हम तमाम जो इवन नंबर्स हैं इंस्टेड ऑफ 2 उसको सेट में से निकाल देंगे, बिकॉज वो 2 से ही चेक हो जाएगा। अब हम चलते हैं मैटलैब की कोडिंग की तरफ। सो राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड एंड डिस्प्ले ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। तो इस प्रोग्राम में हम दो दफ़ा फॉर लूप यूज़ करेंगे। एक फॉर लूप जो है ये जो गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनके लिए यूज़ होगा, इनको चेंज करने के लिए, और दूसरा फॉर लूप जो है वो इन नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, जो हमें डिविजिबल रेंज रखी होगी उसके लिए यूज़ होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फॉर लूप से n हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, 1 to 1000। एंड पहले इसका हम पेयर बना लेते हैं n के साथ, ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि मल्टीपल फॉर लूप यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट फॉर लूप जो है वो डिवीन के लिहाज से, लेट्स से इट इज i, और ये हमेशा कहाँ तक होगा? जो गिवन नंबर है उसके हाफ तक। तो इसको लिखने का जो तरीका है उसको अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जो कि प्रीवियस हमारा मेथड होता है इंक्रीमेंट वे। इसके अंदर हम वेक्टर डिफाइन करते हैं, फर्स्ट 2, और उसके बाद जितने भी ऑड नंबर्स हैं अप टू द गिवन नंबर्स हाफ, और चूंकि वो डेसिमल में भी आ सकता है हाफ, तो फिर हम इसके गिव राउंड ऑफ कमांड लगा देते हैं विच इज़
फिक्स। अब इसको मैंने इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी इंटरवल ऑफ सर्च है उसके अंदर हमें तमाम इवन नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टू से चेक कर लिया तो फिर बाकियों के लिए भी वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, इसलिए बाकी जितने भी नंबर्स होंगे डिवीजन वाले वो ऑड होने चाहिए। नेक्स्ट जो है अब इधर हम चेक लगा लेते हैं कि इफ़ द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय आवर आई लूप, तो उसे हम लिखेंगे रिमाइंडर एन कामा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन व्हाट शुड वी डू, वी शुड ब्रेक एंड एंड। तो क्या होगा कि अगर कोई नंबर अपने से छोटे नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो ये जो फॉर लूप डिवीजन वाला ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा और फिर जो है वो कंटिन्यूशन अगले नेक्स्ट नंबर की तरफ चली जाएगी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा ब्रेक हो जाए, बाज़ अवक़ात प्राइम नंबर भी आ जाएगा, देन व्हाट शुड वी डू। तो यहाँ पर हमें एक चेक लगाना पड़ेगा, लेट्स से इज़ प्राइम, ताकि हम उस नंबर को स्टोर भी कर सकें, इज़ प्राइम इज़ इक्वल टू वन। तो हम एक फैक्टर लगा देते हैं कि नंबर जो है वो प्राइम वो वन है, और अगर वो यहाँ पर अगर डिविजिबिलिटी आ जाती है तो हम इस प्राइम का कोड चेंज कर देते हैं, उसे फॉल्स कर देते हैं विच इज़ ज़ीरो। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब ये जो ये वाला फॉर लूप है ये ब्रेक होगा या ख़त्म होगा तो लास्ट में हम इस प्राइम की वैल्यू के लिहाज से डिसाइड कर सकेंगे कि ये जो गिवन नंबर था, ये जो भी आइट्रेशन के दौरान नंबर आया है, ये प्राइम है कि नहीं। तो इधर एक और कंडीशन लगा देते हैं कि इफ इज प्राइम इज इक्वल टू वन, तो देन हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू स्टोर प्राइम। तो लेट्स से पी के इज इक्वल टू वट एवर द नंबर एन इज एंड देन के इज इक्वल टू के प्लस वन एंड एंड। चूँकि यहाँ पर हमने k इंडेक्स को डिफाइन किया है तो इसको कुछ ना कुछ इनिशलाइज भी करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। सो दिस विल बी k इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं वन, क्योंकि इंडेक्स हमेशा वन से स्टार्ट होता है। तो इसने क्या होगा कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो इस कोड के थ्रू के इज़ वन, इधर इक्वालिटी आती है, ऑटोमेटिकली हमारे पास पी के अंदर, पी वेक्टर के अंदर स्टोर होते जाएंगे। और चूंकि वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता और टू हमारे पास स्टार्टिंग प्राइम नंबर है, तो हम जो सर्च है उसको स्टार्ट कर लेते हैं थ्री से, और ऑटोमेटिकली ऊपर जो फर्स्ट प्राइम नंबर है दैट इज़ टू, उसको खुद ही डिफाइन कर लेता है। ठीक है, ये जो हमारी मॉडिफाइड कोडिंग थी, ये जो हमने डिविजिबिलिटी की मॉडिफाइड कोडिंग की है, इससे हमें फ़र्क क्या आता है कि टू जो है वो प्राइम नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो प्राइम नंबर्स में शामिल नहीं होगा। तो इसके लिए पहले आप प्राइम नंबर को अलग से डिफाइन कर लें, पी वन इज इक्वल टू एंड देन फिर के की वैल्यू हम डिफाइन कर लेते हैं टू, ताकि नेक्स्ट जो भी प्राइम नंबर हो वो पी टू में सेव हो जाएगा। तो अब हम प्राइम नंबर्स का डिस्प्ले कर देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्क कमांड एंड पी इंस्टेड ऑफ पी। ज़्यादातर मैं जो है पी डैश यूज़ करता हूँ, उसके रीज़न क्या है चलें वो आपको दिखा देते हैं। पहले हम पी से प्रिंट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए, तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। लेकिन इसमें इशू क्या है कि ये नंबर्स रो में प्रिंट हो रहे हैं, तो इस तरह इसको पढ़ने में मुश्किल होती है। तो इंस्टेड क्या आप इसे पी में रो वेक्टर में प्रिंट करें, आप इसे कॉलम वेक्टर में प्रिंट करें। अगेन मैं अब इसे रन करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें कि नंबर्स जो हैं एक कॉलम की शेप में आपके पास सामने आ गए।